okay my dear kids uh, we are going to get only three periods more for the for this academic year and after that our exam will start uh, so i'm not going to take the rest of the lessons because if i'm starting even you are not going to learn that so we i am planning to take some grammar portion okay so today first i am going to teach one new thing patralakan patralakan means letter writing what is that letter writing अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए अपने विद्यालय के प्रधान विद्यालय मीन्स स्कूल स्कूल ओके प्रधान आचार्य मीन्स प्रिंसिपल प्रिंसिपल को अवकाश के लिए फॉर गेटिंग परमिशन फॉर वन रिक्वेस्ट लेटर दैट इज ओनली दिस ऑन अवकाश मीन्स परमिशन प्रार्थना पत्र रिक्वेस्ट लेटर ओके फर्स्ट वन सेवा मेम सेवा टू सो सोले दि वर्ड फॉर इन हिंदी राइट फॉर टू टू इट्स वेरी सिंपल टू राइट इन इंग्लिश इन हिंदी यू सी सेवा मेम दैट इज ओनली हिंदी फॉर टू ओके देन प्रिंसिपल आई टोल्ड ना देन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द स्कूल बैदेमु सी बी एस सेंट्रल स्कूल देन करल सो सेवा में टू प्रधानाचार्य प्रिंसीपल प्रमु सी बी एस सेंट्रल स्कूल कर ओके देन आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट विषय मीन दिस इज द फॉर्मेट फॉर राइटिंग ए लेटर रिक्वस्ट लीव लेटर एंड वी विल आस्क ना दिस इज द फॉर्मेट फॉर द टू प्रिंसीपल स्कूल देन आफ्टर दैट यू हेव टू सब्जेक्ट विषय अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र वाट इस वी कैन सी फ्रम द्वशन इट्स के लिए प्रार्थना पत्र फॉर पर्मिशन रिक्वेस्टर फॉर दर्फॉर्टिंग पर्मिशन देन महोदय महोदय मीनपेक्ट सर महोदय मीन वॉट रेस्पेक्ट सर इन हिंदी सर फॉर सिम्पल और टेल महोदय वाट इस महोदय सेव विम टूर महोदय रेस्पेक्टेड सर वि निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की आठवीं कक्षा का छात्र या छात्रा हूँ छात्र मीन्स स्टूडेंट बॉय स्टूडेंट ओके छात्रा मीन्स गर्ल गर्ल ओके फॉर गर्ल्स यू शुड राइट छात्रा फॉर बॉय राइट छात्र ओके निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की आठवीं नॉट यू कैन राइट हियर हेयर आई टेकन फॉर सेवन एथ ग्रेड ओके फॉर आठवीं यू कैन राइट हियर Okay? सात्वी ओके सात्वी मीन्स सेवंथ आई एम आई वुड लाइक टू इनफॉर्म यू दैट आई एम स्टडी सेवंथ ग्रेड इन योर रेस्पेक्टिव स्कूल इन योर स्कूल ओके दैट इज ओनली द फर्स्ट लाइन मीनिंग निवेदन है कि आई वुड लाइक टू इनफॉर्म यू दैट आपके विद्यालय की आई एम द स्टूडेंट आठ सातवीं कक्षा का छात्र या छात्रा हो आई एम द स्टूडेंट ऑफ युअर स्टूडेंट ऑफ सेवंथ ग्रेड इन योर स्कूल देन कल विद्यालय एक्स्टरडे विद्यालय से आते ही मुझे बुखार आ गया एक्स्टरडे वैन आई केम फ्रॉम द स्कूल इट्स एल्फ आई गॉट फीवर बुखार मीन्स फीवर बुखार मीन्स फीवर देन डॉक्टर ने मुझे चार दिन तक चलने फिरने से मना किया है देन डॉक्टर हैज़ टोल्ड मी टू टेक रेस्ट फ्राम

today's number also what is today's number 12 3 or fourth from tomorrow we can write 13 3 2021 then 13 then uh, till tuesday how what is the date till tuesday 13 14 15 16 you can write here or the same date also you can write while the exam time you can write the exam days time or this time on this date also you can write no problem इस इज़ अ फॉर्मेट ओनली ना सो कृपया मुझे नाइन् थ्री टू थाउजेंड ट्वेंटी वन से ट्वेल्थ थ्री टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें देन यू हैव प्लीज आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू गिव दिस फोर डेज लीव फॉर मी लाइक दैट दिस वन रिक्वेस्टिंग धन्यवाद धन्यवाद मीन्स थैंक यू यू नो देन आत्मा आज्ञाकारी छात्र यू फेथफुल स्टूडेंट योर नेम यू शुड राइट हियर Name okay, now means name. You should name write your name then Kakshasat. Here, art you should change and write Kakshasat. Then, T D means date. You should write the date. You can write the date or uh, change the date also. No problem. Let as you wish. Okay, so this is only so. What is the format? First, seva name to. प्रधानाचार्य बतलेहेम न्यू सी बी एस सेंट्रल स्कूल करिंगल विषय अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र दैन महोदय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की सातवीं कक्षा का छात्र छात्रा हूँ बहुत यू डोंट राइट ओके फॉर बॉयज़ यू शुड राइट छात्र गर्ल्स यू शुड राइट छात्रा ओके देन कल विद्यालय से आते ही मुझे बुखार आ गया डॉक्टर ने मुझे चार दिन तक चलने फिरने से मना किया है अतः मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ कृपया मुझे नाइन थ्री टू थाउजेंड ट्वेंटी वन से ट्वेल्थ थ्री टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें देन धन्यवाद आपका आज्ञाकारी छात्र देन योर नेम दे कक्षा सात देज्ञा संज्ञा इज वॉट संज्ञा मीन्स वॉट नाउन राइट संज्ञा मीन्स नाउन व्हाट इज संज्ञा किसी भी व्यक्ति स्थान वस्तु विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं इफ़ एनी पर्सन और प्लेस और थिंग और एनी थिंकिंग और एनी फीलिंग्स वी विल टेलर्स नाउन राइट सो संज्ञा को तीन फेदों में बाँटा गया है वी कैन सेव वी हैव डिवाइडेड संज्ञा इन थ्री टाइप्स व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा फर्स्ट वन एग्जांपल फॉर दैट मींस व्यक्तिवाचक संज्ञा मींस इफ ए पर्सन और थिंग और एनी प्लेस नेम वी विल से ना दैट इज व्यक्ति पर्सनल दैट इज ओनली व्यक्तिवाचक संज्ञा जो लल दट ए नेम ऑफ ए पर्सन कांज नेम ऑफ ए थिंग आम नेम ऑफ ए फ्रूट गाय नेम ऑफ एन एनिमल सो दी ऑल विल कम इन व्यक्तिवाचक संज्ञा अंडरस्टूड सो संज्ञा वर्ड किसी भी व्यक्ति वस्तु व्यक्ति स्थान वस्तु विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं संज्ञा को तीन भेदों में बांटा गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा सेकंड वन जातिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा ब हियरिंग द वर्ड एल वी कैन सी द टाइप ऑफ द संज्ञा मींस लाइक द कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन और ए शेप ऑफ ए पर्सन दैट वी विल टेल इन वे जावाचक संज्ञा हाउ द थिंग विल बी हाउ द पर्सन विल बी दैट कैरेक्ट्रैसेशन दैट द शेप ऑफ दैट थिंग लाइक दैट ईज ए लांग लांग शीज हैविंग लांग हेर सो दैट लांग सो दैट लांग एंड ऑल विल बी दाति वाचक संज्ञा चरित्र स्वभाव वचन आकार आदि द्वारा जानी जान संज्ञा जाति वाचक संज्ञा सो द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन और द शेप ऑफ अ पर्सन थिंग और शेप ऑफ एन एनिमल और समथिंग दैट वी विल टेल इम जाति वाचक संज्ञा देन भाववाचक संज्ञा भाव मीन्स फीलिंग्स द हाउ द हाउ द थिंग विल बी लाइक सुंदर द्यूटिफुल दैट इज़ भाववाचक संज्ञा नाजुक प्रसन्नता इत्यादि जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है दैट इन द पर्सन वॉन्ट बी देयर व्हाट इज द फीलिंग ऑफ दैट पर्सन व्हाट इज द कंडीशन ऑफ दैट थिंग दैट वी विल टेल इन दिस ओन और आ कार या वजन नहीं है द शेप एंड व वेट वॉन्ट बी देयर वजन मीन्स वेट परंतु उसका अनुभव होता है फीलिंग्स ओनली विल बी देयर हाउ द ब्यूटिफुल हैप्पीनस दैट एंड ऑल विल कम इन भाववाजक संज्ञा सो दीज आर द्री टाइप्स ऑफ संज्ञा से so, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं संज्ञा को तीन फेदों में बांटा गया आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दैट डेफिनेशन ऑफ दिस थ्री टाइप्स ऑफ संज्ञा बिकॉज इट इज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू लर्न सो वॉट इज दैट ओन दैट ओनली यू शुड अंडरस्टैंड सो व्यक्तिवाचक संज्ञा द नेम ऑफ अ पर्सन और थिंग और लाइक दैट सो जातिवाचक संज्ञा द कैरेक्टर ऑफ दैट पर्सन और थिंग लाइक दैट सो

संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं एग्जाम्पल बड़ा बिग काला ब्लैक लंबा लेंथी दयालु काइंड एक वन दो नंबर ऑल्सो कम ओके दैट एवरी थिंग इज द लाइक एक एक कौवा द स्पेशलिटी ऑफ लाइक दैट ओके द नंबर ऑल्सो कम मस ए विशेषण सो दी थिंग्स एंड ऑल लाइक द स्पेशलिटी ऑफ अ पर्सन स्पेशलिटी ऑफ ए नाउन और ए प्रोन ऑन नॉट ओनली पर्सन स्पेशलिटी ऑफ ए नाउन और ए प्रोन ऑन विस् दैट इज विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं विशेष अंडर दैट विशेष ऑन अनदर वर्ड विल कम विशेष वॉट इज दैट विशेष जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताए जाए whose speciality we are telling na like uh, geeta example you see ma geeta sundar hai geeta is beautiful who is beautiful geeta that uh, geeta okay? whose speciality we are telling that is vishesh okay the speciality is visheshan whose speciality we are telling that is vishesha understood जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है गीता सुंदर है गीता सु विशेष सुंदर विशेष विशेषण के चार प्रकार है विशेषण टू फोर टाइप्स वन गुणवाजक विशेष गुण फ्रॉम गुण वी विल टेल द कैरेक्टर गुण ओके गुण रूप रंग आदि का बोध हो। इफ द कैरेक्टर एंड द आल्सो द कलर इफ इट इज टेलिंग मीन दैट इज गुणवाजक विशेषण एक्सापल बगीचे में सुंदर फूल हैं So, beautiful flowers are there in the garden so that beautiful is the speciality how uh, what type of food is there beautiful so sundar will come as guna vajak visheshan okay character of a food, uh, flower so sundar it will be beautiful so sundar will be guna visheshan understood then sankhya vajak visheshan sankhya sankhya means number सो so, संख्या का बोध हो इफ इट इस द यू वि नंबर्स अस् द स्पेशिटी मीन्स दैट इज़ संख्या वाचक विशेषण लाइक कक्षा में चालीस विद्यार्थी हैं चालीस मीन्स फोर्टी सो दैट इन स्कू इन द फोटी चिल्ड्रन आर देयर इन द्लास फोर्टी स्टूडेंट्स आर देयर इन द्लास हाउ मेनी स्टूडेंट्स फोर्टी दैट नंबर विल कम मींस दैट इज संख्या वाचक विशेषण दस्ट फस्टू वन गुण रूप रंग आदि का बोध हो गुणवाचक विशेषण एक्सापल सुंदर Then, संख्या का बोध हो संख्यावाचक विशेषण परिमाण वाचक विशेषण थर्ड वन परिमाण वाचक विशेषण परिमाण या नाप तौल का बोध हो इफ इट इज एन वेट इट इज ए वेट और क्वांटिटी टेल क्वांटिटी टेल मींस दैट इज वेट और क्वांटिटी और लाइक लाइक दौली दो किलो टू किलो वन किलो टू मीटर वन मीटर लाइक दैट वी विट लेंथ और क्वांटिटी और एंड मेषरमेंट अशरमें ऑलसो वी विल टेल गुण परमाणुवाचक विशेष ओके परमाणिया नाप्त उबोधु एक्सापल मुझे दो मीटर कपड़ा दो मुझे दो मीटर कपड़ा दो गिव मी टू मीटर ऑफ क्लोत सो दैट टू मीटर विल बी गुण परमाण वाचक विशेष ओके परमाणुवाचक विशेषण देन सार्वनामिक विशेष फ्रॉम दैट दैट इट्स वी कैन से इफ द प्रोनाउन इज कमिंग एज द विशेषण वी आर टेलिंग एज सार्वनामिक विशेषण प्रोनाउन मीन वर्ड इंस्टेड ऑफ नाउन वर्ड वी आर यूजिंग दैट इज ओनली प्रोनाउन राइट इन हिंदी वह यह वे ये हम आप

वह दैट इट इट इस कमिंग एस दर्व इट इस सर्वनाम वह वाहट पर्सन सो दैट पर्सन दैट विल कम कमस् सर्वना हियर सो विशेषण हियर सो दैट ईज सार्वनामिक विशेषण ओके अंडस्ट अस्ट गुणवाचक विशेषण देन दख्यावाचक गुणवाचक विशेषण गुण कैरेक्टर एंड विल से संख्यावाचक विशेषण मीन संख्या Pariman vajak Vishesh means Pariman, quantity, measurement, like that. sarvanamik Vishesh means uh, like uh, pronoun if it is coming as a specialty. That is only Vishesh. So, Satya Vishesh. Don't forget this both. Then, third one, Sandhi. Sandhi, have you heard about the word Sandhi? Sandhi means uh, in Tamil we will say Sandhi. What is that? Meeting, right? Meeting together. That is only here also the same. लाइक like, जब हम दो शब्दों को मिलाते हैं इफ वी आर जॉइनिंग टू वर्ड्स क्लियर क्लियरली लिसन माई किड्स इफ वी आर जॉइनिंग टू वर्ड्स पहले शब्द की अंतिम ध्वनि फर्स्ट वर्ड्स लास्ट लेटर फर्स्ट वर्ड्स लास्ट लेटर और लेटर और ध्वनि मीन्स दैट मात्रा ओनली ओके दैट साउंड लास्ट लाइक का मीन्स आ इज द लास्ट लाइट का आ की मीन्स ई दैट ओनली ओके दैट साउंड एवं दूसरे शब्द के पहली ध्वनि वॉट इज दैट दूसरे दैन सेकेंड वर्ड इफ वी आर ज्वाइनिंग टू वर्ड्स इफ़ यू आर जॉइनिंग वी आर ज्वाइनिंग टू वर्ड्स लाइक वन एंड टू दीज वर्ड्स लास्ट वन एंड दीज वर्ड्स फर्स्ट वन विल जॉइन मिलकर जो परिवर्तन लाती हैं

It will be higher, So thadsu will come. Okay. Then next one pad plus unnati Padu if we we are saying we are seeing means we will think there's nothing is here, isn't it? Da means the plus a only da. Okay. The the half of Da plus a only da. Okay. Okay, then the plus. Ah, uh, We learned right what? Da. With the U. If we are adding Da plus U, we will tell it is Do. Okay? the Da plus uh, U is equal to Do. So, you can see here. Here first, plus Da plus U. Here it comes as Padonadi. Pad plus Unadi. Padonadi. Understood? Padonadi.

या दो स्वरों के मिलने से उनमें जो परिवर्तन आता है तो वह स्वर संधिका है नेम स्वर मीन्स वॉट आ टू आह राइट आ आ स्वर आ स्वराक्षर आर आ आ ए आई ओ औ अम आह दैट इज ओनली स्वर दैट स्वर दो दो स्वर आपस में जुटते हैं या दो स्वरों के मिलने से उनमें जो परिवर्तन आते हैं तो वह स्वर है If the first letter and the last letter will be uh, first letter and the last letter will be swar here it is the same only a ah, plus oh, a ah, that is both are Swaraksha, right? So that is swarasanti, Okay. So here you can see Reviindra. Revindra. How it is uh, splitting you see Revi V plus V plus E only V, right? V. Here you can see V. Here you can see v. v. V plus E. It is V. Then plus E. It is there. So that is V. Okay, two E. E. It will come. So both this E and this E together it will come E. So both are स्वराक्षर सो इट इस रवींद्र सो वेन इफ्फ इट ईज जॉयनिंग टू स्वर द फस्ट लेटर ला फर्स्ट वर्ड्स लास्ट लेटर एंड द सेकेंड वर्ड्स फर्स्ट लेटर विल बी स्वर मीन दैट इज स्वर संधि लाइक दैट यू लर्न ओके देर संधि वि लर्ण दैन स्वर संधि के फेद स्वर संधि हैविंग फोर टाइप्स दीर्घ संधि गुण संधि वृत्संधि यण संधि दिस बो टाइप ओनली यू लर्न ओनली दीर्घसंधि वी आर गोइंग टू लर्न टूडे ओके Not much because this much is there इज the textbook okay टेक्स्ट बुक ओके स्वर संधि ओनली स्वर संधि इवर संधि also one type only it is explaining in your textbook uh, okay uh, दीर्घ स्वर संधि के भेद दीर्घ संधि गुण संधि वृत्ति संधि यण संधि देन दीर्घ संधि what इज दीर्घ संधि जब दो शब्दों की संधि करते समय when यू आर joining टू वर्ड्स आ आ के साथ आ आ हो तो आ बनता है इफ वी आर जॉइनिंग आ प्लस आ मीन विल कम आ विल कम एंड आ प्लस आ विल कम विलकम दैट इज ऑलो आ विल कम सो देन आ आ प्लस विल कम द्लकम आ फॉर एवरीथिंग आ विल कम राइट आ एंड आ, right? आ, आ विल कम आ बनता है तो इफ यू आर जॉइनिंग दिस बोथ ओनली दिस आ इज कमिंग जब ई ई के साथ ई ई हो तो ई बनता है इफ़ यू आर जॉइनिंग दिस टू टूस इट इज ई विल कम। जब ऊ ऊ के साथ ऊ ऊ हो तो ऊ बनता है ओके इफ यू आर जॉइनिंग, सॉरी इफ यू आर जॉइनिंग आ प्लस आ आ विल कम। इफ यू आर ज्वाइनिंग आ प्लस ah also i told now nah, this one will hide and ah uh, only will come like that e plus e is equal to e will come then if also e plus e it is coming means e only come because this will hide okay which is big that only will come so like that only o plus o is equal to o and if o plus OO it is coming means that is also o. So when we are joining these words like this means it will OO, that is very lengthy right? So that is Dheerkasandhi. Lengthy means X. Pustak plus Aale. Pustak Aalai. Pustak K plus A only That right? K plus A only Then plus A. Pustak will come. परम प्लस अर्थ परमार्थ परम दिस्ट एंड गिरी प्लस ईश गिरी वधु प्लस उत्सव वधु उत्सव सो बिकॉज ऑफ द लाइक स्वर अक्षर इफ़ इट इज़ कमिंग लाइक मीन इट वित् ई दीर्घ ओंडी सो दैट इज़ वी विल टेल अस् दियर्क संधि डस्टू दिस मच यू लर्न एंड कॉपी द नोट्स इन योर नोट ओके And learn the notes for the exam and be prepared for the exam. Only two more class we are going to get. That class also we will revise and we will take the uh, grammar rule Because rest of the lessons I am skipping. Because if I am taking itself, you are not going to watch that one and you are not going to learn that one. So how much we learned, how much lesson we learned in this second term, learn one by one. Okay, and be ready for the exam. ओके मां दैट्स ऑल फॉर टुडे धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों